मैंने पंखे को ऐसे बाहुबली की तरह उठा दिया है। पर भाई क्या कर रहा है तू, जल्दी करना यार। अभी रेड वाला वायर तो लग गया है और अभी बाकी ये सिर्फ ब्लैक वायर है। अब की बार पंखा ना हुआ ना तब मैं अपनी दाढ़ी और मूंछ दोनों मुंडा दूंगा, कटवा दूंगा। चलो तो फाइनली सफाई हो चुकी है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो ये वाला वीडियो पिछले वाले वीडियो से जुड़ा हुआ है, तो इससे पहले आप पिछले वाला वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अच्छा, अब इसको लेके चलते हैं दुकानदार के पास। क्या भैया, तो मैंने पंखे को ऐसे बाहुबली की तरह उठा लिया है। पर भाई क्या कर रहा है तू, जल्दी करना यार, बहुत देर लगाता है। अब जाएंगे सर्विस की स्कूटी में। अक्का विसरमा काला बुला ते लारे नी मुते मस्कारा चूठा जो परदे पावे नी। तो बस हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिक की दुकान पे और पंखे को देते हैं रिपेयर करवाने। तो अभी ये अंकल पंखे को चेक करके बताएंगे कि पंखे में फॉल्ट क्या है, और बाद में अंकल ने पंखे की सारी पंखुड़ियाँ खोल दी। तो अभी हम पंखा रिपेयर करवाने देके आ चुके हैं। तो अंकल ने बोला कि मिनिमम 250 तक लगेगा और ज्यादा से ज्यादा 500 550 तक लग जाएगा। तो हमने बोला कि जो ठीक लगे वही करना। तो अभी अभी दुकानदार का फोन आया था और हमारा पंखा रिपेयर हो चुका है। तो अभी फिलहाल हम लेने चलते हैं। मेरी बाइक तो अंदर ही है, तो मेरे दोस्त की बाइक लेके हम चले गए यहाँ से। तो अभी पंखे की पंखुड़ियाँ लगाई जा रही है। पंखे को मैंने ऐसे उठा लिया है और निकलते अपने रूम की ओर। तो अभी दुल्हन घर आ चुकी है और फिर से सजा देते है ऊपर। तो अभी दुल्हन को लगा दिया है यहाँ पे, नट भी फिट कर देते हैं क्योंकि अकेला नहीं लगा पाता। मेरे दोस्त ने पंखा ऊपर किया और मैंने किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बस अब काम हो ही गया है, नट लगा दिया है। अब उसके बाद अब दो वायर है, ब्लैक और रेड, उसको अब जॉइंट करना है। तो अभी तो दो वायर लगाने का काम बाकी है, क्योंकि पहला जो रेड वाला वायर था मैंने वो पहले पंखा निकला ना, तो निकलते निकलते मेरे से टूट गया था। तभी मैंने वो वायर कैसे भी करके छिला है। अभी रेड वाला वायर तो लग गया है और अभी बाकी सिर्फ ब्लैक वायर है। दोनों के दोनों वायर लगा दिए और अब बस टेस्ट करने की देर है। चालू करते ही पंखा शॉर्ट हो जाएगा या फिर चालू होगा, वो तो अब टेस्ट करके ही पता चलेगा। चलो देखते हैं। 1 2 ओ कुछ नहीं हुआ। अबे यार इतनी मेहनत की और ये पंखा चालू ही नहीं हुआ। करते कुछ करते और। तो अभी एक दिक्कत आ चुकी है, ऊपर के दो छोटे छोटे से नट थे वो नीचे गिर गए और हमने पूरी जगह पे झाड़ू मारा फिर भी हमें वो नट नहीं मिले। तो अभी जा रहे हैं हमें दुकानदार के पास, वहाँ से नए नट खरीदेंगे फिर जाके ये पंखा होगा। तो अभी नट लेके आ चुके हैं, ये देखिए बहुत ही छोटा, इतना सा छोटा नट यहाँ पे गिर गया, दो गिर गए, दोनों में से एक भी नहीं मिला। ऊला ये पंखा लगाना है, पंखा लगाना है हमको पंखा। लेकिन बाबुआ हमरे को दिक्कत हो रही है, ये ब्लैक वाला वायर निकल गया था तो इसको हमने जॉइंट किया, तो जॉइंट करने के लिए हमको टेप तो लगाना पड़ेगा ना बबुआ। तो अभी टेप लगाएंगे, बाद में पंखा चालू होगा ना। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो अभी मैंने ब्लैक और रेड वायर दोनों लगा दिए और जो ब्लैक वाला वायर था वो टूट गया था वो भी लगा दिया है। अब की बार पंखा ना हुआ ना तब मैं अपनी दाढ़ी और मूंछ दोनों मुंडा दूंगा, कटवा दूंगा। चलो ये पकड़ तो ऊपर रह गई थी। तो अभी ये पंखा तो हमने लगा दिया है झाड़ू निकालने का है, तो अभी तो पहले हम जाएंगे खाना खाने, उसके बाद ये सब कुछ काम कर। नाइस। तो फाइनली खाना खा के अभी रूम में आ चुका हूँ और अभी करने की है सफाई। रात के 9:20 होने को आई और अभी सफाई शुरू कर दे। बाइक को निकालते हैं यहाँ से बाहर। तो फाइनली पूरा रूम क्लीन हो चुका है और अभी डालते हैं हमारा सामान। तो फाइनली सफाई हो चुकी है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो गाइस,
जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मुँआ, मुँआ, मुँआ।